पटियाला तो बाद श्री मुक्तसर साहिब दे सरकारी कॉलेज विखे विद्यार्थियों के दो धिर आमो सामने हो गए ने। विद्यार्थियों वल्लों कॉलेज के प्रोफेसर के उत्ते गंभीर इल्जाम लगाए गए ने अते नाल ही सिक्योरिटी गार्ड के उत्ते इल्जाम लगाए गए ने कि सिक्योरिटी गार्ड वल्लों जान बुझ के उन्होंने तंग परेशान किया जा रहा है। तुम दस दिए कि पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन की अगवाई में विद्यार्थी कॉलेज अध्यापक अते प्रबंधकों के विरुद्ध नारेबाजी करन लगे ने। पंजाब स्टूडेंट यूनियन के आगुआ का कहना है कि बीती दिन कॉलेज के एक अध्यापक अते सिक्योरिटी गार्ड वल्लों यूनियन के आगुआ के नाल धक्केशाही की गई अते माड़ी शब्दावली वरती गई। इसे दे विरोध में उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने की है जिस दे विच सिक्योरिटी गार्ड अते विद्यार्थी एक दूजे नाल उलझते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। तो की कहना है प्रोफेसर अते सिक्योरिटी गार्ड का विरोध करने वाले पंजाब स्टूडेंट यूनियन के आगुआ का तुहानू सुना दिंदे हां। जी मेरा नाम नौनिहाल सिंह है, मैं जिला को कन्वीनर पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन। मसला की सी मीटिंग लेके तुसी प्रोटेस्ट कर रहे हो? सर मसला ये सी भी 14 तरीक नु साडे कुछ आगू आए सी कॉलेज दे विच, असी एक सेमिनार कर रहे सी पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन वल्लों। उस तो बाद जिहड़े कि असी रिटन दे विच परमिशन लई कॉलेज प्रशासन दे भी साडे कुछ साथियों ने बाहरों आना हैगा, वो कॉलेज दे विच आउंदे आ। सेमिनार खत्म होने तो बाद ट्यूटोरियल लैक्चर लगता हैगा स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट उत्थे जांदे हैगे। वो तीन जने साथी धीरज कुमार, सूबा कमेटी मैंबर ने कमलजीत सिंह ते सुखप्रीत कौर, वो तिने कॉलेज तो बाहर जा रहे हैं। कॉलेज के जिहड़े गेटकीपर ने उन्हां वल्लों रोकिया जांदा, वो जिस तरीके गलबात करते हैं असं भी मानते चलो उन्हों का कम हैगा रोकना, वो रोक सकते हैं, पर जिमें उन्हों का रवैया हों स्टूडेंट के नाल गल कर बिल्कुल रवैया नहीं सीगा। हथ फटते हैं, उस तो बाद जी हथापाई शुरू होंगी, उस तो बाद डंडा चक के लियाँ मारन की कोशिश करते हैं। तो उस तो बाद तत्थों मैनिपुलेट करके आख्या जाता भी मारिया तो नहीं गया, यदा मतलब भी कार्रवाई उदों होनी सी जो मारिया जाता। उस तो बाद भी ये प्रोफेसर साहबान आते हैं, उस तो बाद जो गलबात होंगी हैगी उस तो बाद जो कि असी कॉलेज के असी उत्थे कह के आने भी असी थोड़े ना कोई गल नहीं करनी, असी प्रोफेसर हरजिंदर सिंह ना गल करांगे। तो उस तो बाद असी गलबात करना आने हैं, उस तो बाद रैली होंगी विद्यार्थियों की, असी कॉलेज के अल्टीमेटम दें भी 3 दिन के जोड़ा कि मसला हल किया जाए, तो जोड़ा कि सिक्योरिटी गार्ड को बर्खास्त किया जाए। उस तो रुजगार का मसला देख के असी यह कह रहे हैं चलो बर्खास्त नहीं, विद्यार्थियों तो गलत सलीके माफ़ी मंगे, पर वह भी नहीं हो रहा है। असं 3 दिनों तो कॉलेज के नाल कमेटी के नाल तालमेल करके मीटिंग हल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सानू लगातार यह कहा जाता भी तुम भी माफ़ी मंगो, पर जेकर असी माफ़ी मांगते तो मतलब असं झूठे हाँ, पर असी कोई गलत पोस्ट नहीं पाई हैगी। पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन का इतिहास रहा, लिखती रूप के इतिहास रहा है, हजे तिकर भी विद्यार्थियों की जथेबंदी है जी रिटन इतिहास रहा भी कितने कितने पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन कि जथेबंदी के ना खड़ी है। जो प्रोफेसर जरूरत होंगी है विद्यार्थी जथेबंदी हर बारी खड़ी हैगी, असी हूँ भी यही आस की इसलिए असं प्रोफेसर साहबाना को आए, पर नहीं साड़ी वो नहीं, पर तुसी देखा तुसी पहला भी देखा है ना कॉलेज के विचरे है कि विद्यार्थियों का एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है तत्थों को मैनुपलेट करके। पर असी हमेशा कहने भी साड़ी जिहड़ी लड़ाई है निजवादी ना तो पहला सी, ना ही निजवादी लड़ाई साड़ी होना, तो ना ही निजवादी साड़ी लड़ाई कदे किसी नाल होगी। यह मसला विद्यार्थियों के मान सम्मान का, जेकर आगुआ नाल इदा बदसलूकी की जा सकती है तो नॉर्मल विद्यार्थी कितने जाऊगा। कॉलेज के लगातार ये रवैया जिहड़ा कि चलता आ रहा है, असं कोऑपरेट कर रहे हैं कॉलेज के नाल, जिथे अनुशासन की गल होंगी असं हर थां ते कोऑपरेट करते हैं, पर जो साड़ी वारी आई है तुसीं देखदे हो सानूं की मिलिया। सर मेरा नाम ममता आजाद आ, मैं जिला आगू हाँ पंजाब स्टूडेंट यूनियन तो। तो अज का जिहड़ा ये प्रोटेस्ट वाला मसला यह है कि जिवें 14 तरीक नूं एक मसला होया सीगा सिक्योरिटी गार्ड वालों बदसलूकी की गई, ये है ना बदसलूकी की गई। उस तो बाद जिहड़ा कि प्रोफेसर गुरबाज जिहड़े कि उन्होंने पूरी पूरी शह दे रहे सिक्योरिटी गार्ड नूं, ठीक है, उन्होंने जिहड़ा कि असी एक दरखास्त दे के आउंदी सीगी पर उन्हें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा कि चलो मसला जिहड़ा कि माफ़ी नाल सुलझा लैने हैगा, असी क्या माफ़ी नहीं मंगनी। फिर ये कहें चलो पोस्ट डिलीट कर दो, असी पोस्ट डिलीट तो क्या चलो ठीक है असी पोस्ट डिलीट कर दें, पर जिहड़े कि इन्हां दी मंग होर वध रही है कि ये कह रहे हैं कि भी लिखती रूप दे विच जिहड़ा कि माफ़ी मंगो, ठीक है, असी कोई माफ़ी नहीं मंग रहे क्योंकि सानूं नहीं लग रहा कि साडी गलती आ, ठीक है, जेकर असी कोई पोस्ट पाई है उन्हां दे कोई हानि हुई है तो असी वो पोस्ट डिलीट करन लई तैयार आ। उधर दूजे पासे कॉलेज के होर विद्यार्थी अध्यापक अते कॉलेज के प्रबंधकों के हक विच उतर आए ने। उन्हां दा कहना है कि कॉलेज विच अनुशासन कायम रखन लई सिक्योरिटी गार्ड की मंग पहला स्टूडेंट यूनियन वालों ही की गई सी, पर हुण जदों सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा के मद्देनज़र कोई कदम चुकता है तो उन्हां वालों इस तरह उसका विरोध किया जाता है। उन्हां वालों कहा कि बाहरी लोगों की एंट्री कॉलेज के बंद की गई है, इसे दे चलते सिक्योरिटी गार्ड वालों स्टूडेंट यूनियन के बाहरले कॉलेजों तो आए कुछ विद्यार्थियों रोकया गया सी, पर
स्टूडेंट यूनियन वालों उसका ही विरोध कर दिया गया। तो प्रोफेसर और सिक्योरिटी गार्ड के हक के उतरे विद्यार्थियों का की कहना है वह भी सुन लो। मेरा नाम पवनदीप कौर है, मैं एम ए पोलीटिकल साइंस की स्टूडेंट हाँ। असं ये चाहते हैं भी पी एस यू वाले वार बार एक ही गल कह रहे हैं भी सिक्योरिटी गार्ड में तुम इतों रद्द करो, क्यों जो पिछले साल इतने एक वीर जी से रॉबिन वीर जी जिन्होंने आउटसाइडर आके साडे कॉलेज के कुट के गए थे, उस वीर जी का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। तो उस टाइम इन्होंने यही गल चकी सी पी एस यू वाले ने भी तुम सिक्योरिटी नहीं हैगी इस कॉलेज के, जी अज सिक्योरिटी है तो फिर पी एस यू वाले क्यों कह रहे हैं भी उन्होंने रद्द की जाए। असी अपने प्रोफेसर के नाल हैं, वार बार एक ही गल कह रहे हैं, गुरबाज सर ए कर रहे, गुरहरमीत मैम ए कर रहे, बट असी जितों तक असी क्लिप्स देखी उतों तक सानू है भी गुरबाज सर हमेशा बेटा कह के सबनों गल करते हैं, फिर यदा मतलब ये तो नहीं भी साढ़े प्रोफेसर ही गलत है। असी अपने प्रोफेसर के नाल हाँ, असी उन्होंने नाल खड़े हाँ तो खड़े ही रहेंगे। तो उधर दूजे पास अध्यापक ने अपने उत्ते लगे सारे इल्जामों खारिज कर दिता है। उन्होंने कहा कि जिन्हों विद्यार्थियों पढ़ाते हैं जिंदगी का सबक सिखाते हैं उही उन्होंने उत्ते इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कॉलेज का डिसिपलिन होंदा है, उस डिसिपलिन मेनटेन करना उन्हां दी जिम्मेवारी होंदी है, तो नाल ही नाल कॉलेज के विद्यार्थियों की जिम्मेवारी होंदी है। इस जेकर कोई कॉलेज का डिसिपलिन भंग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं 23 साल तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहा, मेरा नाम गुरबाज सिंह, पोलीटिकल साइंस मेरा सब्जैक्ट है। मेरी कॉलेज वालों अनुशासन से ड्यूटी लाई हुई है, मैं अनुशासनी कमेटी का मैंबर हाँ। उस दिन पक्टोरियल पीरियड लग्या हुआ सी, सारे विद्यार्थी कॉलेज में क्लासा में गए हुए थे, तो असी ये देखना चाहिए कॉलेज में कोई आउटसाइडर तो नहीं आते गए, तो उस मैं राउंड पर सी। जो मैं पता लग्या भी कॉलेज के गेट पर कोई यह गल हो रही है या कोई होगी तो मैं उधर नूं मूव किया। जो मैं उत्थे पहुँचा तो उदों जिदा जिदा ही चल रही थी सिक्योरिटी गार्ड नाल तीन विद्यार्थियों की जो कि आउटसाइडर सी, वह विद्यार्थी जो जाके सारा मैं पुछा स्थिति जानने की कोशिश की भी सिक्योरिटी गार्ड की गल सुनी, विद्यार्थियों की गल सुनी, सिक्योरिटी गार्ड ने मैनू यह कहा भी इन्होंने मेरे ते हमला किया, मेरे चपेड़े मारे। वो विद्यार्थी यही गल कह रहे भी इन की औकात की है, ये रोक क्यों सकता सानू, ये सानू रोक नहीं सकता गा। मैं उन्होंने एक गल कही बेटा जे इन्हें तुम्हें रोक लिया तो तुम सानू किसी को फोन कर दे, हूँ भी तो मैं ऐ ही हाँ भी तुम सू आके कहेंदे असी उतों फोन करके सिक्योरिटी गार्ड को कह देंगे या कोई होर कह दें भी इन्ने कॉलेज के टीचर आ तुहानू जानते भी आ, बट तुसी इहदे ते हथ नहीं चकना सीगा, तुहाडा इह हक नहीं बनता भी तुसी सिक्योरिटी गार्ड ते हथ चको। बट वो बार बार यही कह रहे भी इन्हें सानू रोका तो रोके ही क्यों, ये रोक ही नहीं सकता, तुम कॉलेज में जेल बना रहे हो। मैं कहा बेटा असी सिक्योरिटी वास्ते कर रहे हैं, बच्चों अनुशासन रहे, कोई बाहरले शरारती अंसर आके कॉलेज कोई गंद ना फैला सकन, ये तुहाडे ही फायदे लई आ, साडियां बच्चियां इत्थे पढ़दियां उन्हां दे फायदे लई आ। देखो साडे कॉलेज दे विच जे 100 विद्यार्थी पढ़दे आ उन्हां चों 52 मुंडे आ और 48 कुड़ियां, साडे कॉलेज दी रैपूटेशन आ, साडे कॉलेज दा डिसिपलिन आ, पर ये बाहरों आउटसाइडर आके साडे कॉलेज दा डिसिपलिन भंग करदे आ, ये साडे कॉलेज विच सानू मतलब तंग परेशान ही कह सकते हैं। ये भी जिहड़ियां इन्ने इन्ने साडे ते इल्जाम लाते, मेरे वल्लों किसी की कोई कुटमार नहीं की गई, ईवन सिक्योरिटी गार्ड वालों भी नहीं कुटमार की गई, सिक्योरिटी गार्ड से भी इन्होंने द्वारा ही हमला होया, पर मेरे वालों किसी की कोई कुटमार नहीं की गई, ना ही किसी ने कोई किसी तरह का कोई जाति सूचक शब्द बोलिया गया, ना कोई अपशब्द भी नहीं बोलिया गया, किसी का हाथ चकना बेटे कह के जां होर गल्लां असीं उन्होंने बच्चों संबोधन करते हैं, सारे वड्डे बच्चे आ पढ़े लिखे आ असीं भी इन्ने इन्ने सालों तो नौकरी करते हैं, तो ये पर बच्चे मेरे तो इन्होंने सोशल मीडिया से इन्होंने मेरे खिलाफ मतलब बड़िया मूवमेंट चलाई हुई है, आदि जी इन्हों फेसबुक का पेज आ पंजाब स्टूडेंट यूनियन का, वो इन्होंने मेरी पाई आ, लोगों ने वो कमेंट किए आ। मैनू देखो ये चीज़ महसूस हुई भी जेडे बच्चों की असी मदद करते हैं किसी की किसी रूप में किसी की किसी रूप में, उ बच्चे अज सानू मतलब साढ़े तो इस तरह के इल्जाम ला रहे हैं। मैं इस चीज़ तो मैं मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान हाँ, मेरे मान सम्मान इन्ने साल की नौकरी के जोड़ा मैं बनाया आपका, मेरे वो मान सम्मान भी ढा लगी आ, मैं इस चीज़ तो परेशान हाँ, और मैं मंग करदा भी जी स्टूडेंट यूनियन है ये खिलाफ़ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, झूठे इल्जाम ये ला रहे हैं, उहदे ते सारे सबूत कॉलेज कोले आ। ईवन देखो इतों तक भी कॉलेज के जो इन द्वारा मंग पत्र दिता गया प्रिंसीपल साहब नूं उहदे विच मेरा कोई नाँ नहीं सी, कोई जिक्र नहीं सी, जिहड़ी इन द्वारा कोई रैली की गई कॉलेज विच उहदे विच भी कोई मेरा जिक्र नहीं होया,
उस तो बाद इन्होंने मंशा किस तरह की सी मैनू नहीं पता पर इन्हों की मंशा जिस तरह की सी इन्होंने मेरा नाम बाद पुलिस को रिपोर्ट की कोई आपका प्रेस नोट दिता मैं वो तो बहुत हताश हाँ मैं बहुत परेशानी हो रही है मैनू लोगों के फोन आ रहे हैं ज मैं लोग पूछा ज लोग ये सोच रहे भी ये पता नहीं किस तरह का बंदा होगा जोड़ा मतलब विद्यार्थियों इस तरह के अपशब्द ने बोले होने हैं जिस तरह के कोई जाति सूचक शब्द कहे होने हैं मैं उसते मतलब मैनू बहुत दुख हो रहा भी ये विद्यार्थी जिन्होंने असी पढ़ा के समाज के वधिया बना चाहते हैं यही विद्यार्थी कि राहों पर पाँ उधर ये मामला थाने दे विच पहुँच चुका है थाना सदर SHO ने मामले दे विच जांच उपरंत कार्रवाई का भरोसा दिता उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के गुटों के जो भी गलत होगा उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी सिक्योरिटी गार्ड और विद्यार्थियों के जो मामला है उसनू पूरी तरह सुलझाया जाएगा कॉलेज वाले स्टूडेंट आए थे मेरे को कंप्लेट दी उन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड ने कोई बदसलूकी की जाए उस संबंधी दरखास्त की जांच पड़ताल चल रही है जो भी जांच पड़ताल आया वो कार्रवाई अमल च लैंदी जाएगी। फिलहाल ये कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट यूनियन जो कॉलेजों के बन जाए ने तो वह अपने आप न सब तो उपर समझ लग जाए ने इसे दे चलते ये मामला सामने आया लगता है। फिलहाल स्टूडेंट यूनियन वालों इल्ज़ाम सिक्योरिटी गार्ड के अध्यापक से लाए गए हैं पर हुण देखना होगा कि इस मामले दे विच की कार्रवाई होंगी है क्योंकि कॉलेज के दूसरे विद्यार्थी भी उन्होंने विरोध के उतर आए हैं तो देखना होगा कि इस मामले दे विच दुध का दुध और पानी का पानी कदों होंदा है। श्री मुक्तसर साहिब तो तरसेम ढुड्डी की रिपोर्ट स्काई न्यूज़ पंजाब के लिए।